अम्बाला शहर के सेक्टरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चोरों के दो गिरोह को अम्बाला पुलिस ने पकड़ लिया है। बता दें कि इनमें से एक गिरोह वो है जिसने थोड़े दिन पहले सेक्टर 9 में कपड़े की दुकान पे चोरी की थी और जिसकी सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज ने आपको दिखाई थी। सेक्टर 9 के थाने के SHO हमीर सिंह ने बताया कि हिरासत में लिए गए मुजरिमों ने अपनी वारदातों को कबूला है और पुलिस द्वारा मुजरिमों से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। SHO ने कहा कि आज मुजरिमों को रिमांड खत्म होने के बाद माननीय कोर्ट में पेश किया गया था और जहां से उनको जुडिशियल में भेज दिया गया है। 13-14 अक्टूबर की रात को मकान नंबर 2257 सेक्टर 10 अम्बाला शहर में एक मकान बंद पड़े मकान में टूटियां चोरी हुई थी। इस टूटियां चोरी के संबंध में और अन्य जो चोरी कपड़े की दुकानों में हुई है उसके संबंध में हम पहले ही अलर्ट थे। 15 अक्टूबर को मानव चौक के पास एक युवक आकाश वासी बादशाही बाग कॉलोनी अम्बाला शहर को संदिग्ध अवस्था में हमने राउंड अप किया। उससे सख्ताई से पूछताछ की तो उसने इस अपराध को स्वीकार किया कि उन्होंने ही 14 तारीख को सुबह इस मकान नंबर से अपने एक अन्य साथी के साथ टूटियां चुराई थी। इस आकाश की ये पूछने पर कि उसने ये टूटियां कहाँ दी हैं तो उसी दिन एक कबाड़ी प्रकाश उर्फ रोशन को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ करते हुए अगले दिन नेक्स्ट इसके दूसरे साथी सोमपाल उर्फ कुंपली को गिरफ्तार किया जो सेक्टर 8 अम्बाला शहर में रहता है। इन दोनों को माननीय कोर्ट में पेश करने के बाद इनका 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। तो इनसे हमें कई वारदातों का पता चला। इन्होंने माना कि इनके 2 अन्य साथी एक कौशल वासी नयागांव तथा बाबू वासी घसीटपुर के साथ मिलकर इन्होंने कई बंद पड़ी कोठियों में टूटियां, LED कैमरा व अन्य सामान चुराया है तथा अभी हाल ही में सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड में हुई रेडीमेड दुकान की चोरी में इन्होंने ही वहां से चोरी करके सामान ले गए थे। इसके अलावा इन्होंने एक अन्य वारदात को माना कि करीब 1.5 महीना पहले इन्होंने ही माता रानी चौक जंडली में भी एक गारमेंट्स की दुकान से के अंदर से उसका ताला तोड़कर कुछ पेंटें कमीज व चुराए थे तथा वहां से गल्ले में से कुछ पैसे भी उठाए थे, जिसके बाद इसके दोनों अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया और इनसे सख्ताई से पूछताछ के बाद कई मामले हमारे हल हुए जिनमें इनके द्वारा निशानदेही करवाने पर इनके घरों से चुराए गए कपड़े, दोनों वारदातों के रेडीमेड के चुराए गए कपड़े तथा जो टूटियां इन्होंने चुराई थी उनको उस कबाड़ी के वहां से बरामद किया। जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 9 में कपड़े की वारदात है जहां CCTV में ये तीनों युवक कपड़ा चुराते CCTV में कैद हुए थे, इन तीनों युवकों ने ये माना कि इन्होंने 3 बैग भरने के बाद ये रेलवे लाइन पे चले गए और रेलवे लाइन पे जाने के बाद भी इन्होंने वहाँ अपने जूते और कपड़ों के साइज़ को चेक किया और जो साइज़ इनके नहीं आता था उनको इन्होंने रेल की लाइन पे ही छोड़ दिया और बाकी अन्य कपड़े लेके ये वहाँ से चले गए थे। सभी अपने रेलवे के लाइन के ऊपर होते हुए ये अलग अलग जगहों पर चले गए थे। तो इनको रिमांड के दौरान इन्होंने इन चीज़ों को पूरी को स्वीकार किया और जो सामान है, जो एक मकान से गिटार है चुराई थी इन्होंने, ग्लोव चुराए थे या और अन्य कई प्रकार का सामान था
उसकी बरामदगी हुई है इनके घरों से। और चार जो मुकदमे हैं, ये कुल 7 मुकदमे थे चोरी के, जिनमें 4 में काफ़ी हद तक सामान बरामद कर लिया गया है, 3 में इन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन जिसके पास इन्होंने सामान बेचा है वो कबाड़ी अभी फरार है, शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार करके ये सामान बरामद किया जाएगा।